कैसे हैं आप सभी लोग? और फटाफट जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, समय हो चुका है, लाइव होते जाइए सभी। और जैसे ही जुड़ रहे हैं आप लोग, इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है? रेगुलर बेसिस पे जो भी सेशन होते हैं वो सभी आप लीजिए। मॉर्निंग में जैसे 9:30 पे मैं देता हूँ क्लास, लेट्स क्रैक बैंक एग्ज़ाम पे, लेट्स क्रैक बैंक एग्ज़ाम पे 9:30 पे, तो वो सेशन लीजिए। करंट अफेयर का, करंट अफेयर बिल्कुल आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर जीएस में अच्छा स्कोर करना है तो इसको फोकस रखिएगा। और 4 PM पे जो सेशन होता है उसको भी लीजिए आप। उसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए और सभी लाइव आ जाइए। उसके बाद 7 बजे भी बैंक क्वेस्ट पे आप करंट अफेयर देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसमें भी जुड़िए, रोज वो क्लास लीजिए, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे। और रात में नॉलेज 365, जहाँ पे आप जीएस पढ़ते, बेसिकली एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, कि यही है कि आप कंसिस्टेंट रहिए हर सेशन के साथ। जो भी सेशन लेते हैं उसमें आप कंसिस्टेंट रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। सभी का स्वागत है। क्रैक एसएससी एग्जाम विथ इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म और नॉलेज 365 पे डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर, और मैं डेली आपको ये कहता हूँ, करंट अफेयर जितना स्ट्रांग हो उतना अच्छा होगा आपके जीएस के लिए। फिर स्टैटिक जीके, करंट अफेयर के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टैटिक जीके। चैप्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में करंट अफेयर रह गया और स्टैटिक, ठीक है? फिर मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर यहाँ पे पढ़ते हैं रेगुलर बेसिस पे, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, तो ये ज्योग्राफी हो गया, इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड डेट्स, तो जितने भी योजना है डेट्स है, तो सारी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, तो ओवरऑल जो भी जीएस का है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब आप रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे पढ़ते हैं। प्लस इसके अलावा क्या क्या आप देख सकते हैं, एसएससी, बैंक, डिफेंस और रेलवे, ठीक है? तो करंट अफेयर मैं डेली कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिए आप अपने एंगल से भी। तो नॉलेज 365 के अलावा करंट अफेयर इन 10, पाठक जी गुड इवनिंग, पाठक जी सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मैथ्स इन 10, डिफेंस एग्जाम इन 10, एसएससी एग्जाम इन 10, ओरिजिनिंग इन 10, तो ये सारे आपके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं एग्जाम को देखते हुए। तो इन सभी चैनल को भी आप देखिए रेगुलर बेसिस पे। माई सेल्फ प्रभास कुमार, आई हैव बीन टीचिंग जीएस फॉर मोर देन 6 ईयर्स एंड मेंटोर मोर देन 80,000 स्टूडेंट्स सो फार। आई हैव ऑल्सो क्लियर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। सो वट यू विल गेट हियर, डेली लाइव क्लासेस आपको मिल जा रहे हैं जहाँ पे आप अपने टीचर से रोज कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड। जो क्लास लेते हैं अगर उसमें डाउट आता है वो भी पूछिए। स्ट्रक्चर कोर्स डिफरेंट मीन्स भी हैं जिससे आप अपने टीचर के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है? तो एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी सिलेबस है वो तो पढ़ते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ज़्यादा आपको और पता चले कि एग्ज़ाम में एक्चुअली में क्या आ रहा है। फिर लाइव टेस्ट और क्विजेज दीजिए रेगुलर बेसिस पे, और पेड बैच आप लेते हैं तो आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है, तो ये भी लगाते रहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका अपना सब्जेक्ट में जो भी आपका परसेप्शन है और रियलिटी, दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप टेस्ट देते हैं तो ये रियलिटी पता चलता है आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे टेस्ट और क्विज़ दीजिए। देन अनलिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, किसी भी क्लास को, किसी भी सेशन को आप अनलिमिटेड टाइम एक्सेस करते हैं किसी भी क्लास को, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और कैसे रजिस्टर करना है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए, तो वो मैं बता दूँ। एक तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। उसके बाद सब्सक्रिप्शन प्लान आप ऑप्शन पे जाइए जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मंथ के ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके लिए। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि पेड बैच जरूर लीजिए, सब्सक्रिप्शन प्लान लीजिए। आपको आसान क्या हो जाएगा कि डिफरेंट मंथ के जो ऑप्शन दिखेंगे वो आपके नीड के अकॉर्डिंग ही बनाए गए। बट मैं हमेशा कहता हूँ 1, 3, 6, 12, 24 मंथ में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो 24 मंथ का। 12 मंथ का भी आप ले सकते हैं और 24 मंथ का सबसे, एक तो ये बहुत इकोनॉमिकल है आपके बजट में, प्लस इसका फायदा ये है कि एग्जाम प्रिपरेशन में 1.5 से 2 साल है, तो इस हिसाब से भी लॉजिकल है। और 1 साल के कोर्स में सिर्फ आप 1 मंथ का और कोर्स ऐड कर देते हैं, फी डाल देते हैं, तो आपको 2 साल, मतलब सिर्फ 1 महीने के कोर्स में आपको 1 साल का ये स्कीम आपको मिल जाता है।
इस कोड का यूज कीजिएगा जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए, तो 6000 का कोर्स 5400 में हो जाए। ठीक है साक्षी गुड इवनिंग, सबीना जी गुड इवनिंग। सबीना आज आप आए थे क्या 4 PM पे? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन, पाठक जी का आंसर आ रहा है 72, पवन जी का आंसर आ रहा है बी, करेक्ट आंसर इज बी ऑन। ठीक है, महाकालेश्वर टेम्पल इज अ टेम्पल सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, केरला। महाकालेश्वर टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल हैं जो फेमस हैं, सबरीमाला टेम्पल है, ठीक है, कामाख्या टेम्पल है, तो ये सब मालूम होने चाहिए कहाँ पे है, किस राज्य में, तो ये सब इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है जो आपको आने चाहिए। अनामिका पाठक का आंसर है मध्य प्रदेश, साक्षी का सेकंड का बी, बिल्कुल मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन विच आर सेड टू बी द मोस्ट स्केयर्ड अवॉइडेड ऑफ लॉर्ड शिवा। इट इज लोकेटेड इन द एंशियंट सिटी ऑफ उज्जैन इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इंडिया। विच सिटी इज नोन एज पीतल नगरी, तो पीतल नगरी किसको कहते हैं, जयपुर, मुरादाबाद, पुणे, फरीदाबाद। फटाफट बताइएगा। सभी ना अभी आंसर दीजिएगा और प्लीज एक बार सभी सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर बताइए। पवन जी का आंसर आ रहा है बी, साक्षी का बी, नीतीश जी का आ रहा है बी एन, आंसर क्या हो जाएगा तीसरा का, मुरादाबाद। द वॉटर सेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज फॉर्म्ड बाय, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पाठक जी का भी मुरादाबाद बिल्कुल सही है। तो आप सभी बच्चों को मैं डेली ये कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ कि 4 PM का सेशन जरूर लीजिए, ठीक है, ये कंप्लीट आपका करंट अफेयर करवा देगा। इसके अलावा आपको करंट अफेयर के लिए और कुछ नहीं देखना पड़ेगा, 4 PM एनफ है। किसी भी बैंक, रेलवे, SSC, UPSC कुछ भी आप प्रिपरेशन करते हैं, ये करंट अफेयर के लिए 4 PM का सेशन अनिवार्य कर लीजिए। बस आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करने ना, और ये बिल्कुल फ्री है, और प्रभास के नाम से सर्च करना है। फोर्थ का आंसर साक्षी का डी आ रहा है, नीतीश का नागा हिल, ठीक है, पाठक जी का आंसर नागर बिल्कुल सही है, तो फोर्थ का आंसर डी है। पांचवा, लॉच नेस इज अ लार्ज डीप फ्रेश वाटर लेक लोकेटेड इन विच कंट्री, बोत्सवाना, स्कॉटलैंड, USA और फिनलैंड, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल नीतीश जी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइएगा। पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ का तो डी हो गया, अब पांचवा का बताइए। साक्षी का 5 का आंसर आ रहा है डी, ठीक है, पाठक जी आप बताइए, पवन जी आप बताइए, आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। इट इज अ लार्ज डीप फ्रेश वाटर लॉक इन स्कॉटलैंड। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ 7 हिल्स, पेरिस, होम, बीजिंग, रशिया। अब ये आसान क्वेश्चन है 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। विच सिटी इज नोन एज
द सिटी ऑफ सेवन हिल्स, नीतीश का आंसर आ रहा है 6 का बी, बिल्कुल रोम इज द करेक्ट आंसर। इन विच स्टेट जिंदल मेगा पावर प्लांट लोकेटेड, 7th क्वेश्चन नंबर 7, इन विच क्वेश्चन नंबर 7 सातवां का आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, जे एंड के और छत्तीसगढ़। पाठक जी का आ रहा है छत्तीसगढ़, साक्षी का डी बी सॉरी छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर। धनवंतरी अवार्ड इज कन्फर्ड टू विच फील्ड, सिनेमा, स्पोर्ट्स, मिलिट्री, मेडिकल साइंस। ये उससे भी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। धनवंतरी अवार्ड इज कन्फर्ड इन विच फील्ड। नितेश जी आप 4 PM का सेशन बिल्कुल कीजिए, इसमें आपको स्टैटिस्टिकल ये भी हो जाएगा प्लस डेली करंट अफेयर, उसके अलावा लास्ट मंथ के भी करंट अफेयर हो जाएंगे वीकली वाइज और मंथली, ठीक है। इस सेशन को जरूर कीजिए, बस आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके प्रभास कुमार जी सर्च करना है तो आपको ये दिख जाएगा और डेली बेसिस पे इसको कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, पाठक, साक्षी, पवन जी और सभी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने भी बच्चे देख रहे हैं। सारे बच्चे जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा सेशन को और शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 साक्षी का आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही है मेडिकल साइंस। कंबाला बुफेलो रेस इज फेमस इन विच इंडियन स्टेट, कर्नाटका, असम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए और सारी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। सुभाष जी गुड इवनिंग, पाठक जी का आ रहा है ए, ठीक है सुभाष जी का ए, बिल्कुल सही कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। इन विच इंडियन स्टेट इज द अल्सोर लेक लोकेटेड, केरला, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 10th 9 का ए बिल्कुल सही है नीतीश जी, सुभाष जी का भी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10th कीजिए और डेली बेसिस पे जो क्लासेस होते हैं मॉर्निंग में 9:30 पे लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे, 4 PM पे स्पेशल सेशन होता है अनअकैडमी पे ये भी कीजिए, 7 PM पे बैंक क्वेस्ट पे जो अभी आप कर रहे हैं सॉरी ये हो चुका है और अभी 9 PM पे जो ये सेशन कर रहे हैं नॉलेज 365, तो ये चारों सेशन बिल्कुल फ्री हैं तो आप लोग रेगुलर बेसिस पे इसको वॉच कीजिए और जब आते हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पाठक जी का आंसर आ रहा है डी, बिल्कुल सही कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर। 11th इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एनुअली, क्वेश्चन नंबर 11th नीलेश जी नीतीश जी का भी आंसर आ रहा है डी, 10 का सुभाष जी बता रहे ए। अब मुझे 11th का आंसर बता दीजिए, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। आंसर हो जाएगा जयपुर, ठीक है।
The famous Hornbill Festival is celebrated in which of the following state of India? Is it Nagaland, Mizoram, Assam or Meghalaya? Hornbill Festival. तो तुम लोग को मैंने कितनी बार बोला कि कम से कम लाइक कर दो, तो लाइक तो कर दो, सेशन को एक बार सभी लाइक कर दीजिए। जो भी बच्चे अभी लाइव क्लास ले रहे हैं वो एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। ट्वेल्थ का आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 बनाओ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिनोट ब्रॉड मनी? M5, M2, M3, M10। थर्टींथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिनोट ब्रॉड मनी? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, टिपिकल। थर्टींथ बताइए। सुभाष जी का आंसर है श्री, नीतीश का M3, बिल्कुल सही है। ये याद रखना है, नैरो मनी। फोर्टींथ, प्लांट्स विच आर एडेप्टेड टू ग्रो इन सॉइल कंटेनिंग हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आर नोन एज? क्वेश्चन नंबर 14th का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14th, का आंसर क्या हो जाएगा? पाठक जी कह रहा है सी, सुभाष जी बता रहे हैं बी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। और ये रहा एक्सप्लेनेशन, तो इसको भी डिटेल में पढ़ा कीजिए, ठीक है। हेलोफाइट्स आर सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर विथ हाई सेलिनिटी सच एज इन मैंग्रोव, ठीक है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा कंसिडर कीजिए और थोड़ा ढंग से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15th, सैफ्रून इज ऑब्टेन फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट? 15वां क्वेश्चन नंबर 15th, क्वेश्चन नंबर 15th, पाठक जी का आंसर है स्टिग्मा, पवन जी बता रहे हैं डी, साक्षी बताओ जल्दी जल्दी, सुभाष जी का आंसर आ रहा है ए, करेक्ट आंसर है स्टिग्मा। 16th, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडिटरी डिजीज? 16th बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16th का आंसर डी, पाठक जी का आंसर सही है, पवन जी का भी सही है। एलपीजी इज अ हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ? 17th, सत्रहवां क्वेश्चन का बनाइए। 17th, का आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रोपेन, ठीक है। 18वां, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक?
18th which among the following was first human made plastic? पवन जी का आंसर आ रहा है डी, पाठक जी का नीलॉन, ठीक है। चलिए आंसर हो गया सी। चलिए 19th वन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व एवरी ईयर? क्वेश्चन नंबर 19th, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व एवरी ईयर? आंसर हो जाएगा 26 जून। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन और NGT? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सब तुक्काबाजी ही लगा रहा है क्वेश्चन नंबर 20, इसका मतलब आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अभी नहीं मालूम है। बी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए 21 का। आंसर हो गया सी। By some, which committee was constituted by the union government to lay down a standard for metro rail system in the country? By some, question number 22, ये तो famous question है, ये बहुत बार आपने वैसे भी news में सुना होगा। E. Sridharan committee, तो मेट्रोमैन भी कहा जाता है। चलिए 23वां, विच बैंक वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ATM इन द वर्ल्ड? क्वेश्चन नंबर 23, विच बैंक वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ATM टू द वर्ल्ड? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक और SBI? इसका सी बिल्कुल सही है पाठक जी का। चलिए, वी रिसीव सनलाइट ऑन अर्थ सरफेस, व्हाट टाइप ऑफ लाइट बीम्स आर दीज? 24th,
24 का ए बिल्कुल डाइवर्जिंग। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज पेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, डेमोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी। अब इससे आसान क्वेश्चन तो मिल नहीं सकता आपको। डेमोग्राफी ठीक है, पवन जी का आंसर आ रहा है ए। बताइए पाठक जी, डेमोग्राफी सुभाष का 24 का ए, 25 का ए सुभाष। ठीक, द फाउंडेशन फॉर द फेडरल सिस्टम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी आर लेड इन द क्वेश्चन नंबर 26। टिपिकल पॉलिटी क्वेश्चन आ गया, ये पहला ही चैप्टर से है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर से ही है ये। सुभाष जी का आंसर आ रहा है डी। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विस हैव बीन क्रिएटेड बाय द 27वां कहां से बताइए। द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विस हैव बीन क्रिएटेड बाय द 27। इनवैलिड जी का 27 का बी, पाठक जी का पार्लियामेंट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। द लीगल एडवाइजर टू ए स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज 28वां क्वेश्चन नंबर 28। पवन जी का ये बिल्कुल सही, एडवोकेट जनरल। 29, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव अ चीफ मिनिस्टर फ्रॉम हिज ऑफिस। इट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बी गवर्नर, सी प्रेसिडेंट और डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 30, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कंट्री An IAS officer can aspire for is Cabinet Secretary, Home Secretary, Foreign Secretary or Governor RBI। बताइए क्वेश्चन नंबर 30 का। The highest position in the country an IAS officer can aspire for is कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है चलो, एशियान हेडक्वार्टर कहां पे है ये फटाफट बताते जाओ। एशियान हेडक्वार्टर ये सोचो नहीं, फटाफट बताते जाओ, ये सब बड़ा आसान क्वेश्चन है। जकार्ता बिल्कुल सही है पाठक जी, कुआलालंपुर होगा एशियन का। व्हाट एसिड इज फाउंड इन मेनेगर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट एसिड इज फाउंड इन विनेगर? साक्षी का आंसर आ रहा है टू, ठीक है आंसर हो जाए एसिटिक एसिड। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहां से बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए, नाइट ब्लाइंडनेस इज अ कॉज बाय लैक ऑफ विच विटामिन? फटाफट बनाइए। हाँ सी भी करेक्टेड। ऑप्शन तो है नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताओ तो। आप लोग 4 PM का सेशन क्यों नहीं करते हैं इनवैलिड जी? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, साक्षी का ये है, सुभाष जी का ये है, ठीक है। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज, साक्षी का भी फोर्थ का ये, पांचवा का बताओ। जॉब वॉब कर रहे हैं क्या आप? पांचवा का होता ही है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज द हाईएस्ट along the equator, along the tropic of cancer, along the arctic circle, at the north pole. पांचवा आंसर क्या हो जाएगा? ए। सिक्स्थ, आर्टिकल 254 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग? पाठक जी का आंसर सही है ए, पवन का भी, सुभाष जी का, ठीक है। सिक्स्थ का बताइए तो जरा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पवन जी का सिक्स का सी बिल्कुल सही है। इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन यूनियन लॉज एंड स्टेट लॉज द यूनियन लॉज शैल प्रिवेल। सातवां, बोमडिला पास इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और JNK। सेवेंथ का आंसर बताइए, सुभाष जी का सिक्स का सी आ रहा है, ठीक है सही है, पवन जी का भी है सी। अब सेवेंथ का आंसर बताइए, बोमडिला पास किस राज्य में है? अनामिका का JNK,
पवन जी का साथ का बी, और पवन जी का आंसर सही है अरुणाचल प्रदेश। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इनवैलिड जी का सिक्किम, ओके। सुभाष जी का साथ का बी, सुभाष जी का भी आंसर सही है। आठवां का बताइए, क्वेश्चन नंबर एट। पाठक जी राजस्थान, आंसर होगा बी हरियाणा, ठीक है। नाइन्थ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, पाठक जी का आंसर सही है हरियाणा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। मुंबई, लखनऊ, न्यू दिल्ली, हैदराबाद। सुभाष जी का नाइन का सी होगा लखनऊ, ठीक है बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट होल्डेड माउंटेन रेंज इन इंडिया, पाठक जी लखनऊ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर टेंथ। हिमालय, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ बनाइए। MHO इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, करेंट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस। सुभाष जी का भी डी है, इनवैलिड जी का भी डी है, ठीक है। अभी ग्यारहवां का बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ, आंसर क्या हो जाएगा डी, कंडक्टेंस। विच सिटी इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर बारह। Which city is the Silicon Valley of India? Question number 12. Patak ji ka Bengaluru, Pawan ji ka 12 ka D, theek hai. Sakshi ka 12 ka D, theek hai. Bahut achhi. 13th. When is the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking observed every year? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कोई भी बता देगा, ये गलती नहीं होना चाहिए। अब सुभाष जी का डी, 12 का सुभाष जी का, ठीक है। पाठक जी बेंगलुरु, पवन जी का 26 जून, पाठक जी 26 जून। आप 100% श्योर कह देते हैं, मैं भी श्योर हो जाता हूँ। 26 जून। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली, क्वेश्चन नंबर 14। इक्यावन से छप्पन, 1961 to 66, 80 से 85 और 2002 से 7, क्वेश्चन नंबर 14। पवन जी का आंसर आ रहा है सी, ठीक। सेवेंथ, फाइव योर प्लान। पंद्रह बनाई, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू हैव बीन इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरो,
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, पाठक जी का सितार, पवन जी का 15 का बी, आंसर होगा सितार। आरबीसी आर फॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन द एडल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 16, पाठक जी का सही है, पवन जी का भी सही है, चलो साक्षी 15 का सी बता रही है, बहुत अच्छे। सत्र बनाओ तो द मंडल कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह। 17 का आंसर बताइए तो जरा, 17th। पवन जी का बी, साक्षी का बी, बिल्कुल सही, मोरारजी देसाई इज द करेक्ट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन मोनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं होगा और आंसर इसमें गलती मत कर देना। 18वां का आंसर बता दो। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनवैलिड जी का आंसर है सी, पवन जी का सी, ठीक है, चल बहुत अच्छे, साक्षी का भी। डांसिंग डियर इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। गुजरात, मणिपुर, तमिलनाडु, JNK। क्वेश्चन नंबर 19th, क्वेश्चन नंबर 19th, वर्षा का आंसर आ रहा है। वर्षा जी आप बीच में गायब हो गए थे क्या 1-2 साल के लिए? मुझे लगा आप विलुप्त हो गई हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19th का आंसर, पाठक जी का मणिपुर, साक्षी का मणिपुर, ठीक है, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। 20वां बनाओ। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट लोकेशन ऑफ इंडियाज बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 20, वर्षा आंसर ए। 12 में बह गई थी क्या वर्षा? तो बिहार से ही हो, मुझे लग रहा बह गई थी इसीलिए क्लास नहीं ले रही थी बीच में। क्वेश्चन नंबर 20, साक्षी का डी है, सुभाष जी का डी, जल्दी जल्दी आंसर दो सभी। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है।
इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 21, विच एमंग द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज टोकोफेरोल। ऑप्शन को एक बार ढंग से देख लेना। इक्कीस का आंसर बताओ। टोटल है 80 क्वेश्चन। इनवैलिड जी का बी आंसर आ रहा, बिल्कुल सही है। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिक्लेयर्ड बाय द स्टेटमेंट फॉर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, पवन जी 22 का सी, वर्षा जी का आंसर आ रहा है बी। 3 इज अ सैटेलाइट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 23, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं हो गया ना, क्योंकि कल तुम ही लोग कह रहे थे क्वेश्चन सर थोड़ा ज्यादा रखिए, कोई बच्चा बोल रहा था, मैंने डाल दिया। थक गए क्या इतने में ही? क्वेश्चन नंबर 23, साक्षी का आंसर आ रहा है डी, पाठक जी का नेपच्यून। ठीक है, दोनों बच्चों का आंसर सही है, नेपच्यून। द गैस यूज टू इन्फ्लेट द टायर्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा पवन जी बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इज यूज्ड इन द टायर्स ऑफ एन एरोप्लेन, दिस इज बिकॉज द नाइट्रोजन गैस डज नॉट सपोर्ट कंबसन and can assist in the preventing wheel fire when the aircraft lands. Who was the first Indian governor of Reserve Bank of India? पच्चीस का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। बताओ क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? वाह, सबका आंसर सही आ रहा है, बरसा जी का ही गलत है। तो सी डी देशमुख इज द करेक्ट आंसर। और अगर बोले ये तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला आरबीआई गवर्नर था, वैसे बोले तो क्या बताओगे? ऑसबॉर्नी स्मिथ, ये भी याद रखना। चलो 26, एशियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइडल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 का बताओ। क्वेश्चन नंबर 26, 26 का वर्षा का बी आ रहा है, पवन जी का भी बी आ रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। अ मनी बिल पास बाय लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द राज्यसभा आल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द अपर हाउस विद इन 10 डेज, 14 डेज, 20 डेज, 30 डेज।
27वां क्वेश्चन, पाठक जी का आंसर है 14 डेज, पवन जी का बी, ठीक है, साक्षी का बी, इनवैलिड जी का बी, क्या बात, सबने इस करेक्ट आंसर दे दिया 14 डेज। 28वां, हुए अमंग द फॉलोइंग आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बता दो, पवन जी का 28 का सी है, वर्षा का सी है, ठीक है, दोनों बच्चों का आंसर सही है, पाठक का भी, साक्षी तुम बताओ, नेम द नेशनल बर्ड ऑफ चाइना। 29, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताओ, वाह जी का 28 का सी है, ठीक है, बहुत अच्छे, 29 को बताओ आप, पाठक जी का बी, पवन जी का डी, साक्षी का बी, बिल्कुल सही, बी इज द करेक्ट आंसर। विच इज नेशनल गेम ऑफ चाइना, इनवैलिड का 29 का बी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30, नेशनल गेम ऑफ चाइना, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर पाठक जी का टेबल टेनिस। पवन का ए, वर्षा का ए, ठीक है, सुभाष जी बी, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये करंट अफेयर है, कितने तारीख का, 12th अगस्त, फटाफट बनाओ, ये क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हो। इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन्स। अब ये गलती मत करना, अगर सुबह में अगर सेशन लिए हो तो ये सब अब कम से कम रिवाइज हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का बी, मालदीव, बिल्कुल करेक्ट है। चलो, वेटरन पोएट राहत इंदौरी पास्ट अवे, ही वाज अ पोएट इन विच लैंग्वेज, हिंदी, तेलुगु, उर्दू, मलयालम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा जी, पवन जी मुझे मालूम है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट बताइए क्वेश्चन में सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकंड का इनवैलिड जी का सी, उर्दू, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्राइबल डे ऑब्जर्व्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइए, ए 9th अगस्त। चलिए फोर्थ, विच कंट्री सेट टू लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट COVID-19 वैक्सीन, ये तो कोई भी बता देगा, एक बार सभी सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, रशिया, पाठक जी का आंसर सही है, पवन जी का भी आंसर सही है। चलिए, हु लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी, क्वेश्चन नंबर 5, फाइव का आंसर बताइए, अच्छा इनवैलिड जी का 4 का रशिया, ठीक है, पाठक जी का सी, सुभाष जी बता रहे 4 का ए, 5वां का आंसर सी है, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत।
Sixth, which nation has decided to construct a stand-alone war memorial for the Indian soldier martyred in 1971 war? India, Bangladesh, Pakistan, China. Pathak ji ka Bangladesh, bilkul. KVIC will open the silk training cum production center in the tribal village of Chuluyu in Andhra Pradesh, Odisha, Delhi, Arunachal Pradesh. Question number 7th. Pawan ji ka 7th ka C, Sakshi ka D, bilkul sahi hai. Sakshi ka answer, Arunachal Pradesh is the correct answer. 8th, which country declared a state of environmental emergency after a Japanese ship began spilling oil in the area in the country? China, Mauritius, UK, Iran. 8th ka bhi answer bata sakte aap log. Sakshi ka Arunachal Pradesh hai, theek hai. Invalid ka 6th ka Odisha aa raha hai. Pawan ji ka 8th ka B. It will be the Mauritius. B is the correct answer. Aur Prime Minister kaun hai? Pravin Jagannath. 9th, which state pollution control board signed a memorandum of agreement with IIT Delhi for setting up a geographical information system based platform for air quality management in the state? UP, Bihar, Rajasthan, Kerala. Answer kya ho jayega 9th ka? Invalid ji ka Mauritius bilkul sahi hai. 9th ka Pathak ji Bihar bilkul sahi hai. Which state launched Indira Van Yojana on the occasion of the World Tribal Day? छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा. क्वेश्चन नंबर 10th. पाठक जी का 10 का छत्तीसगढ़, साक्षी का 10 का ए. ठीक, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर, साक्षी का भी. चलो 11. With what theme was the World Biofuel Day 2020 observed in India? Question number 11th का आंसर बता दीजिए आप लोग. सुभाष जी का 10th का ए आ रहा है, ठीक है. इनवैलिड जी का भी 10th का ए, बिल्कुल सही है सर, दोनों बच्चों का आंसर. अब मुझे 11th का आंसर बता दीजिए. साक्षी का 11th का सी, बिल्कुल सही है. Which e-commerce company launched its first startup accelerator program LEAP with the aim to help new and upcoming startup grow, scale, navigate challenges? Flipkart, Snapdeal, Amazon or Myntra? So question number 12th ka answer bata dijiye. Bara ka answer kya ho jayega? Bara ka A, Sakshi ka A, theek hai. Anamika ka Flipkart, theek hai. Sakshi ka bilkul sahi, Flipkart is the correct answer. Which of the following receives clearance from UIDAI to carry out eKYC authentication using Aadhaar? It is BSE or CDSL or NSC or NSDL. 13th ka answer kya ho jayega? Question number 13th. क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी, सी डी एस एल. इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है. एन एस डी एल, सी डी एस एल, यू एस एस डी, ये सब जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वो सबके फुल फॉर्म याद रखिएगा. 14th, विच स्टेट गवर्नमेंट साइन माउ विथ यूएस बेस्ड बोस्टन ग्रुप for setting up its development center in one of its district? Uttarakhand, Bihar, Delhi, Andhra Pradesh. So question number 14th ka answer bataiye. Answer kya hoga? Andhra Pradesh. Bilkul Pathak ji ka answer sahi hai. D is the correct answer. Pandav, who among the following has taken as the Prime Minister of Sri Lanka? Ye to sabse aasan question ho gaya abhi tak ka. Question number 15th. दीप जी का आंसर आ रहा है एपी, ठीक है. दीप जी आज बहुत लेट आए हैं, तो 15 का आंसर होगा डी, महिंदा राजपक्षे. 16, नेम द पर्सन हु हैज वोन द सिक्स्थ टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस. 16 का आंसर क्या हो जाएगा?
पाठक जी का बी, पवन जी का बी, बिल्कुल ठीक है। एक बार एक काम करो तो जरा 16th का आप लोग नेट पे सर्च कीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 16th का आंसर एक बार मैच कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए। नेम द पर्सन हु हैज वन द सिक्स टर्म्स एट द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। नेट पे एक बार सर्च करिए क्वेश्चन नंबर 16। बी डी में मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 16। डी है ना, चलो डी इज द, ठीक है चलो देख लियो नेट पे ना, चलो ठीक है। 7, नेम द पर्सन हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पेरू। इसी में हाँ समझ गया, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था। अब ठीक है, अब समझ में आ गया, याद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन से, यहीं से थोड़ा कंफ्यूजन था। 17 का आंसर होगा बी, ठीक है, वॉल्टर रोजर। 18, इंटरनेशनल योग डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। अट्ठारहवा बनाओ बच्चों, साक्षी का 18 का बी आ रहा है। पवन जी 19 में कहाँ चले गए आप? बारह अगस्त इज द करेक्ट आंसर। बुक टाइटल कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग इज अ कलेक्शन ऑफ स्पीचेस ऑफ विच मिनिस्टर? 19th। पाठक जी का आंसर आ रहा है ए, साक्षी का बी है, बिल्कुल सही, एम वेंकैया नायडू। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद गूगल टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। इससे आसान क्वेश्चन होगा नहीं, और ये कितनी बार रिवाइज मैंने करवा दिया, यहीं पे आपको रिवाइज भी हो जाएगा याद भी हो जाएगा। प्रतिभा जी आज आप बहुत लेट से आए हैं, और मेरे हिसाब से आपका ये पहला क्लास होगा इस सेशन पे। जो भी आए आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो जो भी नोटिफिकेशन होंगे क्लासेस पे वो चले जाएंगे। क्रैक बैंक SSC एग्ज़ाम 2020 ये ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी इशू हो तो इस पे मैसेज कर दीजिएगा 888-259-3903 पे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नाम जब लिख दीजिएगा तो सारे सेशन का जो भी क्लासेस होते हैं उसका टाइमिंग के साथ आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। तो आज के लिए इतना ही था। तो नॉलेज 365 के अलावा करंट अफेयर्स इंटेंट रेगुलर वॉच कीजिए, मैथ्स इंटेंट, डिफेंस एग्जाम इंटेंट, SSC एग्जाम इंटेंट और रीजनिंग इंटेंट, रेगुलर बेसिस पे इसको जरूर वॉच कीजिए आप सभी। और 4 PM का सेशन कभी मत भूलिए, ये जरूर ज्वाइन कीजिए। बस एन अकेडमी का ऐप इंस्टॉल करके आपको प्रभास के नाम से सर्च करना है, ठीक है। मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ PRABHASH। और जब भी कोई पेड बैच ज्वाइन कीजिए तो इस कोड को यूज़ कीजिएगा, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो 4 PM का सेशन जरूर ज्वाइन कीजिए, उससे आपका करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाए। नॉलेज 365 चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो इस कोड का यूज आपको कभी भी कोई पेड बैच लेते हैं, बैंक, रेलवे, SSC UPSC कुछ भी, कोड यूज़ कीजिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डेली मैं 4 सेशन लेता हूँ, एक तो 9:30 AM पे, तो ये है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पे, बिल्कुल फ्री है, ये YouTube पे होता है लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम। उसके अलावा 4 PM, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लेना है और प्रभास के नाम से आप सर्च कीजिए। जैसे आप प्रभास, ये मेरा नाम है प्रभास कुमार, तो जैसे ही नाम से सर्च कीजिएगा तो आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 7 PM, ये भी बिल्कुल फ्री है, बैंक क्वेस्ट पे होता है। और रात में 9 PM पे, तो ये नॉलेज 365 पे। हाँ बिल्कुल दीप जी, सुबह में जो क्वेश्चन था वही अभी आया, जो डेली करंट अफेयर होता है वो चारों सेशन में देता हूँ।
ठीक है, मैराथन कर दूंगा परसों, परसों हो जाएगा मॉर्निंग 9:30 में मैराथन होगा वो करना, उसमें 15 दिन का, 15 डेज का, अगस्त का जो भी करंट अफेयर है वो सारा हो जाएगा। ठीक है, जुलाई का मैंने करवा ही दिया है और अगस्त का भी हो जाए तो अभी जो भी रनिंग मंथ है वो हो जाएगा, और प्रीवियस मंथ का तो चल ही रहा है 4 PM पे, तो सारा सेशन आप लोग देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। पवन जी, मैं ओल्ड करंट अफेयर करवाता हूँ, ठीक है, उसके लिए आप 4 PM का सेशन देखिएगा तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, हर टाइम पे अलग अलग होता रहता है तो उसके लिए आपको वो देखना पड़ेगा सो 4 PM पे। ठीक है, उसके अलावा बैंक को जो होता है 7 PM पे, तो उसमें भी वही चलता है जैन से जुलाई का, और मॉर्निंग में डेली करंट अफेयर भी चलता है प्लस MCQ भी चलते रहते हैं। और कोई इशू हो तो आप जो मैंने नंबर दिया है इस पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या क्लास से रिलेटेड, 8882593903 पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। और बहुत जल्द होगा तो मैं चैप्टर भी पढ़ा दूंगा और स्टैटिक भी करवाना शुरू कर दूंगा। चलिए गुड नाइट, कल मिलते हैं सब 9:30 पे, और 4 PM का शो बिल्कुल मत सेशन मिस कीजिएगा। गुड नाइट सुभाष जी, पाठक जी, साक्षी, दीप जी, पवन जी, चलिए। अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है,